बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आज इसमें हम जो है ना वो एवोगैड्रो नंबर जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है स्टूडेंट, अगर देखें ना कि हम कहते हैं कि एक डजन ऑरेंज, तो एक डजन ऑरेंज से मुराद है 12 ऑरेंज, या एक डेकामीटर, एक डेकामीटर जो है ना इससे मुराद है 10 मीटर, या एक किलोमीटर जो है इससे मुराद है 1000 मीटर। इस तरह एवोगैड्रो एक नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एवोगैड्रो नंबर जो है ना वो उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर जो है इसको डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट या आइंस प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद जो है उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। किसी सब्सटेंस का एक मोल, उस मोल में नंबर ऑफ जो पार्टिकल हैं उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस जो है उसको डिवाइड किया गया एलिमेंट के अंदर, मोलेकुलर कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर और आयनिक स्पीशीज के अंदर, और उनके हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी देखे थे। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, उसके अलावा मोलेकुलर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल फार्मूला यूनिट है, और आयनिक स्पीशीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो आयन है। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि किसी सब्सटेंस का एक मोल जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, फार्मूला यूनिट हो सकता है, या आयंस हो सकते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर जो है इसको NA से रिप्रेजेंट किया जाता है। N भी कैपिटल और A भी कैपिटल है, लेकिन उसको सब क्रिप्ट में लिखा जाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो 6.022 × 10²³ है, और एवोगैड्रो नंबर का जो यूनिट है वो है पर मोल, मोल माइनस वन इससे मुराद है पर मोल, ठीक है। तो इसकी कुछ आप एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, और 1 मोल ऑफ सोडियम जो है वो बराबर है 6.022 × 10²³ एटम्स के। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज जो है वो बराबर है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के, और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बराबर है 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स के। इसके अलावा 58.5 ग्राम ऑफ NaCl वो बराबर है 1 मोल ऑफ NaCl के, और 1 मोल ऑफ NaCl बराबर है 6.022 × 10²³ फार्मूला यूनिट। और इस तरह 17 ग्राम ऑफ OH आयंस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ OH आयन, और 1 मोल ऑफ OH आयन बराबर है 6.022 × 10²³ आयंस के। अब देखें ना कि 23 ग्राम, Na क्या है, एक एलिमेंट है, तो 23 ग्राम सोडियम जो है उसमें 6.022 × 10²³ एटम्स हैं। सोडियम एक एलिमेंट है और इसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, तो 23 ग्राम सोडियम जो है वो 1 मोल सोडियम के बराबर है, और 1 मोल सोडियम में 6.022 × 10²³ एटम्स हैं। इस तरह 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
वो किसके बराबर है, एक मोल ऑफ ग्लूकोज के। अब ग्लूकोज क्या है, मोलेकुलर कंपाउंड है, तो एक मोल ग्लूकोज जो है उसमें 6.022×10⁻²³ मॉलिक्यूल्स हैं। उसके अलावा 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl क्या है, एक आयनी कंपाउंड है, तो NaCl जो है उसका 58.5 ग्राम जो है वो एक मोल के बराबर है। तो एक मोल NaCl में जो है 6.022×10⁻²³ फार्मूला यूनिट है। इस तरह 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सिल जो है आइंस वो किसके बराबर, एक मोल के, और एक मोल जो है वो किसके बराबर है, 6.022×10⁻²³ आइंस के। अब ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी है, ग्लूकोज जो है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो फार्मूला यूनिट है, और आयनिक स्पीशीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो आइंस है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में जो नंबर ऑफ मोल हैं वो है 1 मोल, ठीक है, और 18 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है 6.022×10⁻²³, या आप इसको Na भी कह सकते हैं, यानी कि 18 ग्राम जो है वाटर उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो वो एवोगैड्रो नंबर है। उसके अलावा 18 ग्राम ऑफ वाटर में एटम्स कितने हैं, तो अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाएं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इसमें देखें 3 एटम हैं, यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में एटम्स कितने हैं, 3 हैं। तो अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतने एटम हैं और 18 ग्राम ऑफ वाटर जो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो इतने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 एटम हैं, इनटू Na से मुराद है एवोगैड्रो नंबर। उसके अलावा 18 ग्राम ऑफ वाटर में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो हाइड्रोजन एटम जो है अगर आप देखें तो इसमें 2 है, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम जो हैं वो इतने हैं, और अगर आपके पास इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि आप 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। और इस तरह ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो एक वाटर में इतने ऑक्सीजन हैं, और अगर वाटर के इतने मॉलिक्यूल हैं तो उसमें क्या करेंगे आप 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। उसके बाद है जी रिलेशनशिप क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ सब्सटेंस m, मोलर मास कैपिटल m इनटू Na। अब ये रिलेशन जो है हमने पहले भी पढ़ा है कि n इज इक्वल टू, यानी कि मोल किसके बराबर है, m ओवर m के, तो इसकी जगह पे आप जो है वो n लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो है वो वैल्यू तो इसकी कांस्टेंट है 6.022×10⁻²³। तो ये वैल्यू तो जो है वो कांस्टेंट है। अब उसके अलावा जो कुछ हम जो है ना वो क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। 23 ग्राम
और 238 ग्राम यूरेनियम जो है उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो पहले देखें कि सोडियम और यूरेनियम दोनों जो हैं वो एलिमेंट हैं, ठीक है। सोडियम और यूरेनियम जो हैं वो दोनों क्या हैं, एलिमेंट हैं। तो एक मोल जो एलिमेंट का होता है उसमें 6.022×10^23 एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर आप 23 ग्राम सोडियम लेते हैं तो वो 1 मोल ऑफ सोडियम के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में 6.022×10^23 एटम्स होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम लेते हैं तो 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम जो है वो बराबर है 1 मोल ऑफ यूरेनियम के, और 1 मोल ऑफ यूरेनियम में जो है वो 6.022×10^23 एटम्स हैं। तो दोनों एलिमेंट हैं तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम जो हैं वो सेम है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम, कि मैग्नीशियम का एटम जो है वो कार्बन एटम से 2 गुना हैवियर है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, मैग्नीशियम जो है ना, अगर मैं मैग्नीशियम के 6.022×10^23 एटम्स लेता हूँ तो उनका जो मास है वो 24 ग्राम है, और अगर मैं एक मैग्नीशियम एटम का मास मालूम करना चाहूँ तो 24 को एवोगैड्रो नंबर से, ये इस वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 3.98×10^-23 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम मैग्नीशियम एटम जो है, यानी कि एक मैग्नीशियम एटम का मास जो है वो इतना है। इस तरह अगर मैं कार्बन के 6.022×10^23 एटम्स का मास लूँ तो वो मेरे पास है 12 ग्राम, और अगर एक कार्बन एटम का मास मालूम करूँ तो 12 को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक कार्बन एटम का मास जो है वो 1.99×10^-23 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि मैग्नीशियम और कार्बन एटम जो हैं इनकी रेशियो लेनी है, इनको कंपेयर करना है। तो मैग्नीशियम के एक एटम का मास इतना है और कार्बन के एक एटम का मास इतना है, तो इस वैल्यू को जो है वो मैं इसके साथ डिवाइड कर दूंगा, इस नंबर के साथ 1.99×10^-23 के साथ, इस वैल्यू के साथ दोनों तरफ आप जो है वो डिवाइड करें, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ये डिवाइड होगा तो आपके पास 2 आ गया, और ये डिवाइड होगा तो आपके पास जो है वो 1 आ गया। तो इस तरह जो है वो आप ने फाइंड आउट कर लिया कि मैग्नीशियम का एटम जो है वो ट्वाइस हैवियर है देन कार्बन एटम से, ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, के ग्लूकोज के इतने 180 ग्राम और सुक्रोज के 342 ग्राम जो हैं उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ एटम जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, आंसर देते हुए आप क्या करेंगे कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो है उसमें 6.022×10^23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज जो है वो किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ सुक्रोज के, और 1 मोल ऑफ सुक्रोज जो है उसमें 6.022×10^23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखें कि इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं
वो क्या है, सेम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट है। तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो उसमें अगर आप एटम देखेंगे तो आपके पास 6, 12, 6 ये आते हैं 24 एटम्स, ठीक है। और इस तरह अगर आप देखें जो सुक्रोज है उसमें सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल जो उसमें एटम जो हैं वो 12, 22 और 11 ये बनते हैं 45। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो उसमें एटम जो हैं वो 24 हैं और एक मॉलिक्यूल जो सुक्रोज है उसमें एटम जो हैं वो 45 हैं। अब इनमें देखें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम है लेकिन नंबर ऑफ एटम जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो एक मोल जो है वो सुक्रोज का, ग्लूकोज का, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं और इतने मॉलिक्यूल्स में एटम कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे इसको जो है वो 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जो सुक्रोज है उसके एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स हैं और इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, तो इसको आप जो है वो 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आएंगे। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर।